संबित पात्रा, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वार्ताकार भेज सकता है तो सरकार अपना वार्ताकार क्यों नहीं भेज सकती थी? सरकार का कोई आदमी आ जाता, बातचीत कर लेता, शायद ये स्थिति आज होती नहीं। देखिए, इनकी गलती है कि ये सरकार मतलब सोचते हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी ही आके बातचीत करें तभी वो सरकार होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि दिल्ली पुलिस जाके बातचीत कर ले, दिल्ली पुलिस ने बातचीत भी की थी। इससे पहले 4.5 घंटे तक LG ने बुला के इनके प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। LG ने गुहार किया था कि आप एम्बुलेंस के लिए, आप स्कूल बस के लिए खोल दीजिए सड़क, मना कर दिया था। तो सरकार यही होती है, केवल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जाके वहां पे मौकाए वारदात पे बात करे, मौकाए प्रोटेस्ट पे बात करे, ये संभव नहीं होता, ये उचित भी नहीं होता है। दूसरी बात है, देखिए रोहित जी, मैं एक बात कहता हूं, अंग्रेजी में कहावत भी है, द नेशन विच डज नॉट लर्न फ्रॉम इट्स हिस्ट्री इज डूम्ड टू फेल समटाइम्स इन द फ्यूचर। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए, सरजील इमाम हो, चाहे फैजुल हसन हो, चाहे आज जो वारिस पठान हो, ये भाषा तीनों की एक है। ये तीनों कोई अनपढ़ गवार नहीं है, और ये तीनों कोई मौलवी नहीं है, ये स्कॉलर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग। एक IIT से आया हुआ है सरजील इमाम, दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार का, एक छात्र संघ का अध्यक्ष AMU का, और ये एक पूर्व विधायक है। ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ जो है 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। दूसरा कह रहा है, हम एक ऐसा मुल्क है जो चाहे तो किसी भी मुल्क, हम एक ऐसी जमात है जो चाहे तो किसी भी मुल्क को बर्बाद कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि आसाम को काट देंगे, आर्मी को जाने नहीं देंगे। ये आपको क्या लगता है, ये बस स्लिप ऑफ टंग है? रोहित जी, हम यहाँ आप और हम सिर्फ डिबेट करते रह जाएंगे। मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं हमको सच रखने के लिए। देश डिबेट करता रह जाएगा, और अगर हम अपने इतिहास से नहीं सीखेंगे कि ऐसे ही डिबेट करते करते 42 में 47 में क्या हो गया था, वो हमारे सामने था। तीसरी बात है, बिल्कुल सही बात कहा सिंह जी ने, आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, आपका अधिकार है, मगर आप कल को कहेंगे कि मैं फ्लाइट को हाईजैक करके प्रोटेस्ट करूंगा, तो हाईजैकिंग इज नॉट योर राइट। आपने एक सड़क को हाईजैक किया हुआ है, आप बताइए कि आप फ्लाइट को हाईजैक कर सकते हैं? वो तो 9/11 वाले भी सुन सर, मैं कंप्लीट पूरे मुल्क को आपने लाइन पर खड़ा कर दिया, आपके बीच में सर यहां पर मोनेटाइजेशन के मसले पर, बाकी तीन रास्ते पूरा मैं दोनों से जरा रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा हम एक एक करके बोलें। और दूसरा एक चीज, मेरा सिर्फ एक बीच में इंटरवेंशन ये है, सरकार कोई फैसला ले नोटबंदी और जनता कोई फैसला ले कि सड़क बंदी, इन दोनों में आपको कोई अंतर नहीं दिखता? आप चुने हुए विधायक रह चुके हैं, नहीं सरकार गलत फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार फैसला लेती है संसद से, विधानसभा से तय करती है, आके सड़क पे बैठ नहीं जाती है, आके बैठ नहीं जाती है सड़क पे, तो सरकार ने संसद में फैसला लिया है, उसमें आपकी पार्टी के सांसद थे, वो क्यों नहीं बैठ गए वहां पर उस समय? नहीं पास होने देंगे इसको, नोटबंदी संसद से फैसला नहीं लिया गया, कैबिनेट का फैसला था, प्रधानमंत्री का फैसला था। तो कैबिनेट का राज चलते लोगों का दल है जो सड़क पे बैठ जाते हैं, रोक लेते हैं ट्रैफिक को। आपको कैबिनेट में और सड़क पे बैठे 100 लोगों में अंतर नहीं दिखता है? आप खुद कैबिनेट का हिस्सा रहे होंगे, विधायक के चुने हुए, अंतर नहीं लगता आपको दोनों में? अब एक सेकंड आसिफ साहब, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, पहले तो ये डिसाइड करें कि किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये कह रहे नोटबंदी के लिए है, ये सड़क बंदी, नोट सर एक सेकंड, आसिफ साहब एक सेकंड, मैं कह रहा था कि आपने पूरे आसिफ साहब हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा, कतार में जब लोग कितने परेशान हुए, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी के लिए बैठे हुए हैं, पूरा कर लें, गलत बयान, पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, कैसे देखिए मैं हम ठीक है बीच में नहीं बोलेंगे, बोलते हैं बोलिए। नोटबंदी को कौन लेके आया डिबेट में? मैं लेके आया नोटबंदी को, मैंने कहा आप सड़क को हाईजैक नहीं कर सकते। आप कल को प्लेन हाईजैक करके कहेंगे कि हम अपने प्रोटेस्ट को प्लेन हाईजैक करके जताएंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता कहा कि डेमोक्रेसी हैज इट्स लिमिट्स एंड इट्स बाउंड्रीज। डेमोक्रेसी की लिमिट और बाउंड्री होती है डेमोक्रेसी के नाम पे। आप मेरे बच्चे को स्कूल जाने से रोक नहीं सकते हैं, आप मेरे घर के मरीज को अस्पताल जाने से रोक नहीं सकते हैं, और मुझे दुख इसी बात का है।